नमस्कार मित्रों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज कड़वी लेकिन सत्य बात कहूंगा। आधुनिक इतिहासकार हमें सिखा रहे हैं कि भारत में ब्राह्मणों ने दलितों पर हमेशा अत्याचार किया है और ब्राह्मणों ने ही चार वर्ण व्यवस्था बनाई है। वे कहते हैं कि ब्राह्मणों ने कभी किसी अन्य जाति के लोगों को पढ़ने और लिखने नहीं दिया। ब्राह्मणों के विरोध में ये कदम पिछले दो शतकों से चल रहा है, लेकिन यह सारे तर्क खोखले और बेमानी है। अरे, इस झूठ को बार बार बोल करके सत्य बनाया जा रहा है। इतिहास का सत्य तो यह है कि चाणक्य जैसे ब्राह्मणों ने चरवाहा के पुत्र चंद्रगुप्त को राज सिंहासन पर बिठा दिया। सत्य तो यह है कि ब्राह्मणों ने यदुकुल वंशी वर्तमान में ओबीसी जाति के भगवान कृष्ण को अपना आराध्य देव बनाया। अरे, सत्य तो यह है कि वाल्मीकि, भगवान राम, भगवान बुद्ध, महावीर, कबीरदास, विवेकानंद और न जाने कितने जो ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन फिर भी ब्राह्मणों ने उनका पूजन किया, उनका अर्चन किया और आज भी पूज रहे हैं। अरे आधुनिक इतिहासकारों, कान खोल करके बात सुन लो। जिस मनुस्मृति की तुम बात करते हो, वह भी क्षत्रिय वंश के राजा मनु ने ही बनाई है। मित्रों, आपको हमारी ये जानकारी कैसे लगी, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे इस चैनल को जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।